फ्रेंड्स, अगर हम लोन लेते हैं 10-15 लाख रुपए का, तो यहाँ पर हम कम से कम 8,000 रुपए मंथली की ईएमआई देते हैं, वो भी लगातार करीब 7-8 साल तक। लेकिन अगर हम होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए और यहाँ पर अगर हमें 20 लाख रुपए की जरूरत है, तब भी हमें कम से कम 10-12 हज़ार रुपए की ईएमआई 20 साल तक जमा करनी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो अपना पैसा जमा कर रहे हैं, इस पर अगर आप एक स्मार्ट प्लान करते हैं और आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए के घर लेने का, तो उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं और वो भी इससे कम टाइम के अंदर। दोस्तों, निवेश करना हमारे लिए काफी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम लोन लेकर घर खरीदते हैं तो हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, टेंशन रहती है लोन की ईएमआई की। अगर ईएमआई बाउंस होती है तो फिर आप जानते हैं फिर बैंक कितनी टेंशन आपको देने लगते हैं। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ रुपए का घर बनाना है और आप जॉब करते हैं, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप कुछ मत करिए, बस आप 8,000 रुपए मंथली अगले 13 साल तक बचा लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और आपको 1 करोड़ रुपए का घर लेना है, तो दोस्तों इस 8,000 रुपए से आप अगले 13 साल के बाद 1,13,00,000 रुपए का फंड बनाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कैसे, इसे आप जरूर समझिए। अगर आप अगले 13 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वक्त आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स प्लान का। और कुछ ऐसे प्लान भी हैं जिनमें लगातार आपको एक शानदार ग्रोथ मिली है और अभी भी यहाँ पर आपको एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। SBI का एक ऐसा ही फंड है जिसके अंदर आपको स्टार्ट करनी है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। अगर आप इस फंड में पैसे निवेश करते हैं सिर्फ 8,000 रुपए महीना, तो इसी से 13 साल के बाद आपके पास 1,13,00,000 रुपए का फंड होगा। कैसे होगा ये भी हम चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड प्लान की। तो दोस्तों, ये हमारे पास SBI का स्मॉल कैप फंड। इस स्मॉल कैप फंड के अंदर लगातार जो हमें रिटर्न्स हैं वो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त मिले हैं। यहाँ पर अगर हम एनुलाइज फंड के रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम में फंड ने 27.18% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 30% का रिटर्न है, लास्ट 3 ईयर में रिटर्न 25%, लास्ट 1 ईयर में 47% और 6 मंथ में फंड का रिटर्न 25% से ज़्यादा है। अब हमें यहाँ पर दोस्तों 8,000 रुपये SIP स्टार्ट करने हैं। यहाँ पर हमें रिटर्न मिल जाता है 27%, जो अभी फंड का रिटर्न है। अगर हम स्टार्टिंग सिर्फ 6 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं, तो 6 साल में 8,000 रुपये से हम करीब 14,40,000 रुपये का फंड बनाएंगे और मंथली SIP के हिसाब से हमारा कुल निवेश होगा 5,76,000 रुपये। इसमें यहाँ पर रिटर्न होगा 8,64,000। लेकिन हमारा टारगेट है 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का। अगर हम 13 साल तक लगातार इस SIP को कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर निवेश करेंगे 12,48,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर हमारे पास होगा 1,13,00,000 रुपए का फंड और 1 करोड़ रुपए का रिटर्न। यानी कि अगर आपको घर लेना है तो 13 साल के बाद आप 1 करोड़ रुपए से घर ले सकते हैं, अभी आप सिर्फ कम पैसे निवेश करके। दोस्तों, इस फंड की अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 55 कंपनीज हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इनमें बेहतरीन कंपनी शामिल हैं। इसमें चाहे से हम ब्लू स्टार की बात कर लें, फ्रोलैक्स इंडस्ट्री, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, शैलेट होटल, SBFC फाइनेंस, लेमन ट्री होटल, यानी कि दोस्तों ये ऐसी दिग्गज कंपनी है जिनके अंदर लगातार एक शानदार ग्रोथ है और अभी भी हम पैसा निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। NAV का प्राइस 204 रुपए है, रेटिंग 3 है और 28,375 करोड़ रुपए फंड का UM है। फंड के अंदर कम से कम आप 500 रुपए SIP से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि फंड के अंदर सर्विसेज सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा निवेश किया गया है। फंड का बीटा 0.62 है, यानी कि 1 से काफी कम। यानी कि फंड के अंदर कम रिस्क के साथ हमें प्रॉफिट काफी बेहतर मिला है, जबकि फंड का खर्चा एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। लेकिन आप जो पैसा निवेश करते हैं 1 साल से पहले निकालते हैं, तो आपको 1% एग्जिट क्लोज चार्ज देना होता है। रिटर्न पर टैक्स 15% का होता है 1 साल से पहले। 1 साल के बाद 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर 10% LTC टैक्स। फंड को मोहन लाल मैनेज कर रहे हैं, जबकि SBI AMC दोस्तों देश की नंबर 1 AMC है। सबसे ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर SBI AMC के साथ ही पैसे को निवेश करते हैं। कुल AUM इस AMC का 9,81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 1987 में ही AMC स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम अपने पैसे को निवेश करते हैं और हमारा टारगेट है 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का, 12-13 साल के अंदर उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।